काशीमेडू फिशरमैन फाइंड बॉक्स फुल ऑफ आईफोन्स। तमिलनाडु में समुन्दर के किनारे काशीमेडू नाम का एक गांव था। उस गांव के मछुआरे समुन्दर में मछलियां पकड़कर जीते थे। उन मछुआरों में सिंदिल सेल्वम नाम के दो दोस्त हुआ करते थे। सेल्वम बहुत अच्छा था, मगर सिंदिल धोखेबाज आदमी था। हर दम झूठी बातें बोलते हुए डिंगे मारते हुए रहता था। दोनों मिलकर आए दिन मछलियां पकड़कर उन्हें बाजार में बेचकर पैसे कमाते थे। एक बार सिंदिल समुन्दर में मछलियां पकड़ने लगा तो उसे पानी में एक बॉक्स तैरते हुए दिखा। वो तुरंत पानी में कूदकर उस बक्से को पकड़कर लाया। उसे खोलकर देखा तो उसमें पूरे नए आईफोन्स थे। सिंदिल तब, वाह नए नवेले आईफोन्स, इन्हें बेचे तो बहुत पैसे मिलेंगे, जानते हो एक एक कम से कम लाख रुपए का होगा। कहा तो सेल्वम, यार पता नहीं वो किसके हैं, हमें क्यों, जो चीज हमारे नहीं है उन्हें लेना खतरनाक हो सकता है, मेरी बात मानो और उन्हें पानी में डाल दो। कहा सिंदिल, क्या बाद में तुम खुद कर उन्हें लेने के लिए कह रहे हो क्या, ऐ इस सिंदिल को कोई धोखा नहीं दे सकता, चुपचाप तुम अपना काम देखो। कहा अब सेल्वम चुप हो गया। किनारे को आने के बाद वहाँ पर एक आदमी खड़ा था। सिंदिल उससे, क्या जी मछलियाँ खरीदने आए हो क्या, बोलिए कितने किलो चाहिए, ताजे मछलियाँ हैं, दे दूंगा। कहा तो वो आदमी, मुझे मछलियाँ नहीं, इस समुन्दर में कोई कीमती चीज मिले तो बोलिए, पैसे दे कर लूंगा। कहा बस सिंदिल घबरा कर, क्या कीमती चीज, अब क्या बात कर रहे हैं। कहा वो आदमी, तुमने सही सुना, कोई कीमती चीज मिले तो मैं उसे लूंगा कह रहा हूँ, अगर नहीं मिला तो भी ठीक है। कहा अब सिंदिल होशियारी दिखाते हुए, सपोज अगर मुझे ब्रांड न्यू आईफोन मिला तो, सिर्फ यूं ही मिला सोचिए, उसके लिए कितने दोगे। कहा वो आदमी, उसके लिए मैं 10,000 तक दूंगा, तो क्या वो तुम्हें मिले। पूछा सेल्वम धीरे धीरे सिंदिल के कान में, यार मेरी बात सुनो और उन्हें जितने मिले उतने पैसों को फोन भेज दो, नहीं तो मुश्किलों में पड़ोगे, देख लेना। कहा सिंदिल तब, तुम चुप रहो, वो जितना दिए तो उतना कैसे लूंगा, 1,00,000 से 1 रुपया भी कम नहीं लूंगा। कहकर उस आदमी से, मुझे कुछ नहीं मिला, इस बार मिले तो कहूंगा। कहा ऐसे सिंदिल को आए दिन समुन्दर में एक बॉक्स दिखना, वो उसे लेना और उसमें आईफोन का मिलना, समुन्दर के किनारे वो आदमी कुछ मिला क्या कहकर पूछना, सिंदिल कुछ नहीं मिला है कहकर बोलना, ये सब चल रहा था। अब सिंदिल का पूरा घर आईफोन के बॉक्स से भरा हुआ था। सिंदिल उन्हें देखकर, वाह अब इन सबको एक ट्रक में चढ़ाकर चेन्नई ले जाकर अच्छे दाम में बेचना ही बाकी रह गया है, सोचकर खुश होने लगा। एक बार उसे फिर से बॉक्स मिला, उसे लेकर किनारे को आते ही वहाँ पर उस आदमी के साथ थोड़े और लोग दिखे, वहाँ एक ट्रक भी था। वो आदमी, क्यों भाई हर दिन कुछ भी नहीं मिला बोलते हो, अगर आईफोन मिला तो कितने में खरीदोगे कहकर पूछते हो, मैं 10,000 कहा तो तुम कुछ नहीं मिला कहकर चले जाते हो, ये ठीक नहीं है, तुम्हें आईफोन मिले तो मुझे बेच सकते हो ना। कहा सिंदिल, मुझे कोई आईफोन नहीं मिला, अब जाइए। कहा तब सब कहकर जोर से हंसने लगे। ये देखकर सिंदिल सेल्वम को कुछ समझ नहीं आया। सिंदिल तब, क्या है भाई ये सब कौन है, ऐसे क्यों हंस रहे हैं, मैंने कोई जोक नहीं सुनाया ना। कहा वो आदमी तब जोक नहीं तो और क्या, तुम्हारे जैसे बकरे को मैंने कहीं नहीं देखा, मैं चेन्नई का एक बड़ा स्मगलर हूँ, ये सब मेरे आदमी हैं। हार्बर के पास कस्टम्स वाले पकड़ेंगे कहकर ऐसे आईफोन्स को समुन्दर में फेंक कर पड़ोस गांव से चेन्नई ले जाने का प्लान डाला था, उसके लिए हमने तुम्हें चुना, तुम अपने लालच से मुझे इम्प्रेस किए, अगर तुम 10,000 रुपए को फोन दूंगा बोले होते तो मैं उसी दिन तुम्हें मारकर फोन छीनकर दूसरे आदमी को ढूंढ लेता था, मगर तुमने हमें उतनी मेहनत करने नहीं दिया, बहुत धन्यवाद, चलो हम तुम्हारे घर को जाकर स्टॉक लेते हैं। कहकर गन निकाला। वो लोग उसके घर के पास पूरा स्टॉक ट्रक में लोड किए। वो एक फोन लेकर सेल्वम को देकर, तुम अकेले ही ईमानदारी दिखाए, मैं ये इनाम तुम्हें दे रहा हूँ, बाय बाय। कहकर वो लोग चले गए। बस सिंदिल गश खाकर नीचे गिर गया और वो ट्रक चला गया। मिनी ट्रक टोमेटो फार्मिंग। कोपर गांव नाम के गांव में मुन्ना नाम का एक अनाथ लड़का रहता था। मुन्ना एक चाय की दुकान में काम करता था।
चाय के दुकान का मालिक बंसी मुन्ना को हर रोज दो वक्त एक बन और एक ग्लास चाय देता था। मुन्ना हर रोज स्कूल जाने वाले बच्चों को बड़े आस भरी नजरों से देखता था। एक दिन बंसी, क्यों रे तुम स्कूल के बच्चों को यूं ताड़ क्यों रहे हो? कहीं तुम पढ़ लिख कर बड़े अफसर बनने के सपने तो नहीं देख रहे हो? गनीमत समझो कि तुम्हें ये काम मिल गया, चलो अब जाकर काम करो। साहब, मेरे माँ बाप बहुत बड़े किसान थे, हादसे में दोनों की मौत हो गई, मेरे रिश्तेदारों ने मुझे धोखा दिया और मेरी सारी संपत्ति हड़प ली, वरना आज मेरा ये हाल नहीं होता, मैं भी उन बच्चों की तरह पढ़ाई करता। झूठे बर्तन साफ करने वाले तुम मुझे नसीहत देते हो? तुम कहते रहते हो ना कि तुम बड़े किसान के परिवार के हो, तो एक काम करो, जाओ जाकर खेत जोतो, कहकर उसे निकाल दिया। मुन्ना के समझ में नहीं आया कि वो क्या करे और वो वहाँ से पैदल जाने लगा। एक जगह उसे खाली जमीन दिखाई दिया जो कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा था। तब मुन्ना को एक उपाय सूझा। एक जगह कुछ बच्चे मिनी ट्रैक्टर, मिनी ट्रक और मिनी जेसीबी के साथ खेल रहे थे। मुन्ना उनके पास गया। सुनो, तुम लोग इस खिलौनों के साथ हर रोज कितने देर खेलते हो? मैं मिनी ट्रक के साथ हर रोज 2 घंटे खेलता हूँ, यानी बाकी समय ये ट्रक घर में खाली पड़ा रहता है ना? अगर तुम ये ट्रक मुझे किराए पर दोगे तो मैं हर घंटे के 5 रुपए के हिसाब से किराए दूंगा, क्या कहते हो? क्या इन मिनी गाड़ियों को भी किराए में दे सकते हैं क्या? ये तो बहुत बढ़िया है, वो पैसे मुझे मिठाई खरीदने में काम आएगा, तुम्हारा जब भी जी करे इसे ले जाओ। मुन्ना ने पहले वो मिनी ट्रैक्टर लिया, उस मिनी ट्रैक्टर से उसने उस जमीन को जोता, वो जमीन खेत में बदल गई। उसने उस खेत में टमाटर के बीज बोए, कुछ दिनों बाद टमाटर की फसल उगी। मुन्ना ने टिंकू से वो मिनी ट्रक लिया और दूसरे लड़के से मिनी जेसीबी लिया। मुन्ना ने उस मिनी जेसीबी के मदद से सारा टमाटर उस मिनी ट्रक में चढ़ाया। मुन्ना ने कई चक्कर मारकर उन टमाटरों को बाजार में ले गया। वहां उसने टमाटर की ढेर लगा दी, उन सारे टमाटरों को बेच डाला। उसने उन लड़कों को गाड़ियों का किराया दिया, वे लड़के बहुत खुश हुए। यूं मुन्ना उस छोटे से खेत में टमाटर उगाने लगा और टमाटरों को मिनी ट्रक में लेकर बाजार जाने लगा और उन्हें बेचकर पैसे कमाने लगा। यूं कुछ समय बाद मुन्ना ने थोड़े पैसे जमा कर लिए। वो एक बूढ़े किसान के पास गया। ताऊजी, इस उम्र में अब खेती क्या करोगे? तुम अपने खेत मुझे किराए पर दे दो, जो भी पैसे कमाएंगे वो आधा आधा बांट लेंगे, खेती के लिए पैसे मैं लगाऊंगा। मैं तुम्हें कई दिनों से देख रहा हूँ बेटा, मैंने तुम्हें उस छोटे से खेत में टमाटर को उगाते हुए देखा तो हैरान रह गया, मैं निश्चिंत होकर अपना खेत तुम्हारे हाथों में सौंपता हूँ। यूं मुन्ना उस खेत में टमाटर उगाने लगा। फिर बड़े ट्रकों में वो टमाटरों को बाजार भेजने लगा। जो भी पैसे कमाया उसमें आधा उसने उस बूढ़े किसान को दिया, वो किसान बहुत खुश हुआ। एक दिन मुन्ना बंसी के चाय के दुकान के सामने से एक मिनी बाइक में स्कूल जा रहा था और उसने बंसी को टाटा कहा। ये देखकर बंसी दंग रह गया।